अजीब हादसा है कि मिले हैं मिलते ही बट गए हैं, पर ये सोच कर भूल जाना कुछ दिन तो अच्छे कट गए हैं। सत श्री अकाल जी, मैं आज सिंदर सत्ती एंड वेलकम टू माई सोल ब्लॉग्स। और थानू पता है कि इस बार द टॉपिक है कि असी टॉक्सिक रिलेशनशिप के विचों किवें बाहर निकल सकते हैं या किवें अपने रिश्तों नू ठीक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच कि पिछली वीडियो नू तुसी बहुत ज़्यादा अप्रीशिएट किया। बहुत सारे लोग ने मैनु कमेंट्स के विच अपनी प्रॉब्लम भी दसिया ने, बहुत सारे इनबॉक्स किए ने। मैं अगली एक वीडियो बनावांगी जिहदे विच मैं बहुत सारे कॉमेंट्स जिहड़े ने तुहाडे लोगों के लवांगी। और एक गल होर दस दें कि सारे कॉमेंट्स मैं खुद पढ़ती हाँ, सो मैं कोशिश करांगी कि आई ट्राई टू आंसर एज मैनी एज आई कैन। सो इस दे विच जिहड़ी सब तो पहली गल है वह मैं ये तुहानू दसना चाहनी हाँ, अगर तुहानू लगता कि रिश्ता वाकई ही खराब है या एक टॉक्सिक बंदे दे नाल तुसी रहन दी कोशिश कर रहे हो, वो तुहाडा परस्पेक्टिव हो सकता है। हो सकता है कई बार तुहाडे विच बहुत कमियां होन कि तुहानू अगले बंदे नू अंडरस्टैंड करना ना आंदा होवे। सो अपने दोस्तों नाल, अपने फ्रेंड्स नाल, अपनी फैमिली नाल ये सलाह जरूर करो कि तुहानू की लगता है कि मैं थोड़ी बहुत अगर अपने च इंप्रूवमेंट कराँ तो कि ये रिश्ता होर बेहतर हो सकता है। ये जरूर करो क्योंकि ये नाल काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों को फायदा होता है। दूसरी गल ये है कि किधरे तुहाडी ईगो या तुहाडी कामयाबी इन्नी ज़्यादा तो नहीं है कि तुहाडे रिश्ते नू प्रभावित कर रही है। यानी कि कई बार असी कामयाबी के चक्कर विच सानू लगता कि पैसा बाकी चीज़ां बहुत ने, इस करके तुसी जिहड़ियां एक इमोशनल बॉन्डिंग्स हुंदियां ने उन्हां नू नहीं समझ पाते। विल स्मिथ एक हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर ने, मैं पिछे उन्होंने इंटरव्यू सुन रही सां, वो अपनी वाइफ के नाल रिलेशनशिप बारे बोल रहे सी। उन्होंने कहा कि मैनू लग रहा है कि मैं सब कुछ ठीक है मेरी जिंदगी दे विच, मैं दुनिया च बाहरों बहुत कामयाब हो रहा सी, लेकिन वो कहिंदा कि मेरी वाइफ मेरे नाल चल रही सी पर किधरे वो अंदरों टुट रही सी, मैं महसूस ही नहीं कर रहा सीगा। कहिंदा मैनू उस दिन बड़ी हैरानी हुई जिस दिन मैं उहदे बर्थडे ते बड़ी वड्डी पार्टी थ्रो कीती ते उसने शाम नू मैनू कहा कि ये पार्टी तू मेरे लिए नहीं सी रखी, ये पार्टी सिर्फ तू अपनी ईगो नू ते लोकां नू ये दसन लई कि तू किन्ना वड्डा बंदा है और किन्ने वड्डे बंदे तेरे आ सकदे ने, तू इस करके दिती सी। विल कहिंदा कि मैं उस दिन बिल्कुल हिल गया ते मैनू लगा कि वाकई ही मेरा रिश्ता खराब है। कहिंदा जदों थोड़े दिन बाद मेरी वाइफ ने मैनू कहा कि मैं ब्रेक लैना चाहनी हाँ, मैं अपने आप नू लभना चाहनी हाँ, ते कहिंदा मैनू पहली बारी रियलाइज़ होया कि कामयाब बाहरी कामयाब होने नाल रिश्ते का कोई फर्क नहीं है। रिश्ते छोटी छोटी केयर, छोटी छोटी चीज़ां रिश्ते नू बचाउंदियां ने। सो तुसी भी ये महसूस करो कि अगर तुहानू लगता है कि तुसी किसे दोनों पार्टनर या दोवें दोस्त या घर च रहने वाले लोग अपनी एक दूजे की केयर नहीं करते और उन्हें मटीरियल चीज़ों के नाल इमोशनल पूर्ति उदी करन दी कोशिश करते हो तो फिर वो गलत है, उत्थे रिश्ता खराब होने का बहुत ज़्यादा डर होंदा है। तीसरी गल ये है कि बहुत जरूरी है एक दूजे नू कम्युनिकेट करन दी, एक दूजे नू अपनी गल समझाउण दी। कई बार तरीका गलत हुंदा है कि दोनों ही ठीक हुंदे ने पर कई बार बंदे दा लहजा जिहड़ा है वो उसनू परेशान कर दिंदा या उसकी गल नू उन्ना प्रभावित नहीं करता है। सो कोशिश करो कि अगर तुहाडी आवाज़ दे विच वो लहजा नहीं है जिहड़ा अगले नू पसंद है तो उहदे विच गल जिहड़ी वो लड़ाई ते मुक जांदी है। सो अपने लहजे नू ठीक करन दी जरूर कोशिश करो क्योंकि कई बार तरीका बदलन दे नाल आपस च गलबात दी एक लंबी कड़ी जिहड़ी चलदी है और वो रिश्ते च दोबारा तो उसनू सरवाइव कर सकदी है। चौथी गल और बहुत इंपॉर्टेंट गल जिहड़ी ये है कि एक दूसरे नू स्पेस देनी बहुत जरूरी है कि तुहाडा अपना फ्रेंड सर्कल है जिस दे नाल तुसी गल करदे हो, तुहाडे पार्टनर दा या तुहाडे दोस्त दा अपना है। कदी भी इन्ना एक दूजे नू ओवरपावर ना करो कि उन्हां नू लगे कि मैनू साह लैणा औखा हो रहा है, उहदे विच भी रिश्ते टॉक्सिक हो जांदे ने। ते इहो जिहे इंसान नाल जिहड़ा तुहानू स्पेस नहीं दे रहा उहनू समझाउण दी कोशिश करो कि स्पेस जिहड़ी उह किन्नी इंपॉर्टेंट हुंदी है तुहाडी लाइफ दे विच। ते मैनू पूरी उम्मीद है कि अगर तुसी इह गल अंडरस्टैंड एक दूजे नू समझाउण च सब सही हो जाते हो तो चीज़ा काफ़ी थोड़ी जिंदगी ठीक हो जाए ने। और सब तो अखीर दे विच ए है कि वैसे तो रिश्ते जड़े ने बहुत मुश्किल नाल बनते हैं और निभाना उन्होंने होर भी ज़्यादा मुश्किल है और साढ़े कल्चर दे विच छड़ना किसी भी चीज़ का बदल नहीं है। पर जे तुहानू लगता है कि वो
रिश्ता जड़ा है वो तुहानू खुशी नहीं दे रहा या तुसी उहदे विच दुख महसूस कर रहे हो, तुहाडे कोल सर्वाइवल नहीं हो रहा, तो छड्डन तो पहला थोड़ा जिहा ब्रेक लवो। तुसी थोड़े दिन अपने किधरे अपने घर च या किधरे होर रह के आओ, अगले नू आपस च थोड़ा जिहा सैपरेशन करो तां कोई तुहानू महसूस एक दूजे की कमी महसूस होवे और तुसी महसूस करो कि जिंदगी दे विच रिश्तियां दी ते एक दूजे की किन्नी अहमियत है। उसके बावजूद भी तुहानू एक दूजे की कमी लगती है तो तुसी कदी भी इकट्ठे हो सकते हो, नहीं तो अखीर दे विच फिर अगर तुहाडी टॉक्सिक रिलेशनशिप इन्नी ज़्यादा खराब हो गई है कि तुहानू छड्डन तो बिना होर कोई तुहाडे कोल इलाज नहीं है, तो तुहाडी मैंटल हैल्थ दे लई, तुहाडे अपने जहनी सुकून दे लई उहदे लई बहुत जरूरी है कि अपने आप लई जियो और उस रिश्ते नू उत्थे बड़े खूबसूरत मोड़ दे उत्ते छड़ दिओ। अजीब हादसा है कि मिले हैं मिलते ही बट गए हैं, पर ये सोच कर भूल जाना कुछ दिन तो अच्छे कट गए हैं। मैं उम्मीद करती हाँ कि इन्ह गलों के नाल तुहाडी जिंदगी जरूर फर्क पेगा। एंड तुसी सबसक्राइब प्लीज़ करो क्योंकि मैं बड़ी मेहनत करती हाँ इन्हें वीडियोज़ के लिए, शूट करना एडिट करना कोई सौखा काम नहीं है और तुसी सारे इन्नी ज़्यादा तादाद च वीडियोज़ नू वायरल कर दे। मैं उम्मीद करती हाँ कि विजडम नू शेयर करन दा जड़ा ये मेरे हिस्से च काम आया इनू मैं होर बेहतरी नाल करा। थैंक यू वेरी मच। सेलिब्रेट लाइफ।